हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की गरिमा में उपस्थिति में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। ये सरकार पर भी देखिए लाइन ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, हम बिहार के लोगों बिहार में लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अच्छा है और हम तो हॉस्पिटल जा रहा हो आदमी उसको हमारा काम नहीं समझते। आप जो अधिकार का पता नहीं आप पेंशन के हैं क्या भी नाम शोहरत ही था तो स्थिति में इंक्वायरी का विषय है और उत्तर प्रदेश का मामला है वो जाने हम लोग बिहार की बात कर सकते हैं क्योंकि बिहार में हमारा लाइन ऑर्डर बहुत कंट्रोल में है। अगर कार्रवाई होती है तो उस पर तुरंत ही एक्शन होता है। सर पर बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो इसी तरह यहाँ भी इनकाउंटर होगा। देखिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी ने तो कहा था कि साहब हर साल हम लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 8-9 साल हो जा रहे हैं 18 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, मिली है क्या? उन लोगों का कहना था कि हम महंगाई दूर करेंगे, तो जो गैस 400-500 रुपये महीने मिलता था आज 1100 रुपये मिलता है। तो करने का मतलब ये है कि महंगाई भी आसमान छू रही है और पूरा ये है अम्बेडकर ने कहा था बात को ही दोहराते हैं, अगर आप लोग को हिम्मत है तो इसको दिखलाइएगा कि जब प्रशासन फेल होने लगता है, कोई भी गवर्नमेंट फेल होती है तो वो धार्मिकता और सांप्रदायिकता का लेता है सहारा। आज केंद्र सरकार लगभग यही कर रही है, इससे पता हो सकता है भारत सरकार जो वादा किया था वो मतलब ठीक किया है और जरूर। बता दें कि पटना के होटल पनास में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।